आइए, जय ठक्कर भी तैयार हैं और जैसे जानना है आज का ट्रेड सेटअप। जय, कल की वीकली एक्सपायरी तो हो गई, 18,800 के ऊपर निफ्टी ने आपको क्लोजिंग भी दे दी, तो क्या अब इस वीकली एक्सपायरी में 19,000 के लेवल के लिए बाजार डायरेक्शन ले सकता है? 8 दिनों से पॉजिटिव क्लोज दिखा रहा है। हाय, गुड मॉर्निंग टू यू दीप दीप। होपफुली यू नो 19,000 देखने मिले, बट देन यू नो एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट्स में ओवर बॉट रीडिंग्स तो है ही। यू नो आई मीन जहाँ तक FII की लॉन्ग पोजिशंस का सवाल है, जहाँ तक कॉल रेशियो का सवाल है, जहाँ तक यू नो मोमेंटम इंडिकेटर्स का सवाल है, एंड लेवल्स परस्पेक्टिव अगर हम देखें, प्योर प्राइस परस्पेक्टिव, देन दीप एज ऑफ नाउ कोई यहाँ पे रिवर्सल है नहीं। Else, you know, things are looking a bit overbought at these levels. So यहाँ पे definitely cautiously bullish रहना चाहिए till the time you have seen a clear reversal. On the upside, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप लगभग 18,950 ये immediate basis पर एक resistance है। Thereafter definitely जो 19,000 के जो levels है वो important रहेंगे। Psychologically that will act as a resistance. And on the downside immediately अगर हम देखें तो ये सारे में स्पॉट लेवल्स की बात कर रहे होंगे, एंड डाउनसाइड में अगर हम देखें तो 18,750-700 ये जो रेंज है ये पहले इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज बनती रहा रही है। निफ्टी ने 18,800 के ऊपर क्लोज दिया, दैट इज वेरी पॉजिटिव आई वुड से, बट देन यू नो 18,750-700 ये जो रेंज है ऑन द डाउन साइड, बिकॉज यू नो कल एक्सपायरी भी थी तो 18,800 के ऊपर हमें क्लोज देखने मिला। आज सस्टेन होता है कि नहीं वो देखना है। सस्टेन होता है देन रैली 18,900-950 तक फर्दर मूव होगी। फेलिंग टू डू सो आई थिंक 750-700 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। 700 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज उसके नीचे सीधा 100 पॉइंट नीचे सपोर्ट 18,600 पर। जहां तक दी बैंक निफ्टी का सवाल है, सो बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो ये एक्सपायरी में ये देखने मिली है कि निफ्टी ने पहले एक लास्ट 2 दिनों में हमें एक अपमूव दिखाया, फॉलोड बाय बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी हैज मैनेज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि टू क्लोज अबाउट 43,000 लेवल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है। एंड ओवर एंड अबाउट दैट 43,200 के लेवल्स के ऊपर भी एक्सपायरी के दिन बंद हुआ, दिस इज क्वाइट पॉजिटिव। सो मेरा ये मानना है कि 43,000 के जो लेवल से इमीडिएट बेसिस पर वो एक सपोर्ट बनकर निकल रहे हैं बैंक निफ्टी पर। आई थिंक यू नो अगर वो इसके नीचे सस्टेन करे तो ही 42,700 42,500 आपको ये लेवल्स देखने मिलेंगे, एल्स 43,000 इज अ वेरी वेरी क्रूशियल इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। एंड ऑन दी अपसाइड अगर हम देखें तो 43,500 के आसपास दीप एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का निकल कर आ रहा है। आई मीन सो आपको यू नो कॉल टू एक्शन क्या रहेगा इसका? सो वो मेरी ये राय रहेगी कि या तो 43,500 के आसपास आता है बैंक निफ्टी, आपके पास लॉन्ग पोजिशन है, इवन बुकआउट सम प्रॉफिट आउट देयर, उसके ऊपर जाता है सर, थोड़ी बहुत सस्टेनेबिलिटी अगर हमें नजर आती है 43,500 के ऊपर, तो आप फ्रेश लॉन्ग कीजिए उसके ऊपर, देन बैंक निफ्टी विल मूव टूवर्ड्स 43,800 44,000 अबाउट 43,000। अगर 43 के नीचे जाता है देन आई थिंक इट विल स्लाइड टू 42,700, बट वहां पे खरीदारी के मौके रहेंगे 42,700 के आसपास। पहले 43,200 के रेंज में कुछ नहीं करना है बैंक निफ्टी में। जहां तक निफ्टी का सवाल है, मेरा ये मानना है कि वहां पे भी सेम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिकॉज इनफैक्ट ये पूरे वीक में वो हमें अप एंड डाउन मूव देखने मिला है। सो जहां तक निफ्टी का सवाल है, आपको ऊपर की तरफ 18,900 के आसपास आता है, 900-950 की रेंज, आपको वहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना है 18,900-950 की रेंज में। एंड ऑन द डाउन साइड आपको 18,700-750 की रेंज में खरीदना है। सो दैट कुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी टू ट्रेड इन टूडेज ट्रेडिंग सेशन। बट बाय ऑन डिप्स अभी भी वर्क करेगा जय? प्राइस रिवर्सल में कंप्लीटली देखने नहीं मिल सकता, तो जैसे मैंने दीप कहा कि ये जो है पोजीशन ये आज के लिए ट्रेड है। अगर 18,700 के नीचे जाता है देन डेफिनेटली यू शुड एग्जिट, एंड हायर लेवल्स पर तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे ही रहे। रीजन भी इनके प्राइस में हमें वो दीप जैसे मैंने कहा कि रिवर्सल देखने में मिला, एल्स PCR FII लॉन्ग पोजिशंस मोमेंटम और बाकी दूसरे जो इंडिकेटर्स है उसमें तो क्लियरली ये चीज नजर आ रहा है कि मार्केट्स ओवरबॉट है। बट कंप्लीटली रिवर्सल देखने मिलेगा कि नहीं एज ऑफ नाउ आई थिंक स्टिल फर्दर एविडेंसेस अगर प्राइस से मिले सो फर्दर ये यू नो आउटकम आएगा, बट देन टिल दैट डजन हैपन आई थिंक वो स्ट्रेटेजी के साथ यू कैन स्टिक एटलीस्ट फॉर द इंट्राडे पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप बाय ऑन डिप्स लगभग 100 पॉइंट नीचे कर रहे हैं तो आपको उछाल देखने मिल सकता है। इफ यू आर बुकिंग आउट प्रॉफिट अराउंड 18,900-950 तो आपको वहां से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है, देन यू कैन अगेन गेट अ चांस टू एंटर एट अ लोअर लेवल। तो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और 8 दिनों से आप ऊपर जा रहे हैं, जैसे हम भी बात कर रहे हैं कि बहुत रेयर होता है कि ये ट्रेंड हर बार बरकरार रहे। वीकेंड सेशन भी है, इंपॉर्टेंट डेटा भी आने वाला है और थोड़ा
ओवरबॉट संकेत भी बाजार में, तो थोड़ा कॉशियस रहना भी अच्छा रहेगा, लेवल्स पर रखें फोकस। एंड ऑफकोर्स जय और हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट्स बाजार पर और स्टॉक्स पर तो अपनी राय देते ही रहेंगे, कुछ बेहतरीन कैश के ऑप्शन भी लेंगे, नई वीकली एक्सपायरी भी है।